बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज हम आपसे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाले हैं। पकौड़े भी आज छोड़ देते हैं, समोसे भी आज छोड़ देते हैं, उसकी जगह आप ये ट्राई करके देखें, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। हम बना रहे हैं पकौड़े पोटैटो सैंडविच। इसके लिए एक अदर पोटैटो मैंने ले लिया, इसको मैंने बॉयल किया, अब मैं इसको मैश करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। अरे अब एक कदर फ्राई पैन को चूल्हे पे रखा है मैंने, इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, इसके अंदर 1 टीस्पून मैं ज़ीरा डालूँगी और इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। जैसे ही ज़ीरा हल्का सा फ्राई होगा मैं इसमें डालूँगी गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून डालूँगी। इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही लहसुन हमारा फ्राई होगा, साथ में हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट के इसमें डाल देनी है, क्योंकि मेरा आलू बड़े साइज़ का है। अगर आपने छोटा साइज़ लेना है तो आप 2 आलू ले सकते हैं। जैसे ही हल्की सी फ्राई होगी हम इसमें ये मैश पोटैटो डालेंगे। देखिए प्याज हमारी हल्की सी फ्राई हो चुकी है, इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हमने बिल्कुल हल्का सा इसको फ्राई करना है। अब हम इसमें ये पोटैटो डालेंगे। पोटैटो डालने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। ये 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला इसमें, और 1 पिंच सॉल्ट डालूँगी क्योंकि मैंने आलू को बॉईल करते हुए सॉल्ट ऑलरेडी शामिल कर दिया था। और ये 1/2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें मैंगो पाउडर। मसाले ऐड करने के बाद हम लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। 2-3 मिनट के बाद हमारे मसाले अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब हम चूल्हे को बंद करेंगे, इसको ठंडा होने देते हैं, बाकी का मसाला हम तैयार करते हैं। 1 कप हमने बेसन ले लिया और 1/2 कप मैंने ऑल पर्पस फ्लोर ले लिया, इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसमें 1/4 टेबल स्पून में सॉल्ट डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून में रेड चिली पाउडर डालूँगी और इसका पतला सा हम बैटर बना लेंगे। देखिए इतना पतला ये बैटर इसका बनाना है हमने। अब हमने ब्रेड के स्लाइस ले लेने हैं, इनको दरमियान से काट लेना है। मैं 4 स्लाइस ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी ले सकते हैं। और ये जो पोटैटो का बैटर हमने तैयार किया हुआ था इसको हम स्लाइस के ऊपर ऐसे लगाएंगे। छतरी कैसे फिल कर लेना सारी तरफ। हमने इस बैटर में इसको डिप करना है। इस बैटर में डिप करने के बाद हमारे पास ब्रेड क्रम्स है, ये होममेड है, बहुत ही क्रंचिंग है। ये इसको पर लगा लेने हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए सैंडविच को कवर कर लेना इस तरीके से और इसको साइड पे रखना है। इसी तरीके से बाकी भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से सब हमने तैयार कर लेने हैं। आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, 2 से 3 माह के लिए आप इनको प्लास्टिक के रैपर में डालकर और इनको आप फ्रीज भी कर सकते हैं 2 से 3 माह के लिए। अभी हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने ऑयल को प्री हीट किया हुआ है और इसके अंदर हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। 1 बैच हमारा फ्राई हो चुका है, हमने इसको ऑयल स्ट्रेनर में निकाल लिया, अब बाकी के भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए हमने इनको डिश आउट कर लिया। हमारे ज़बरदस्त से
पोटैटो पकोड़े सैंडविच तैयार हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं और अफ्तारी की मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।